प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बाद रामपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर के हर बूथ पर विकास का कमल खिलने जा रहा है। कुछ लोग रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए हम लगातार इस क्षेत्र में आते रहे। सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत विरासत का देश है, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, देश भर में समान तरीके से कार्य किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया और अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। सीएम योगी ने कहा कि सीएम हमारी सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है, आज हम लगातार परिवर्तन देख रहे हैं। आज देश में सुरक्षा का माहौल है और आस्था का सम्मान है, गरीबों को योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं सीएम ने लोगों से भाजपा को वोट देने की बात करते हुए कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित रामपुर होना जरूरी है, किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का कोई प्रयास न करे, ऐसा रामपुर हमें देना है। परिणाम आपको दिखाई देते हैं, चाहे वह वैश्विक मंच पर सम्मान हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का हो, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे वह कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और बेहतर निवेश का मामला हो, चाहे वह विकास के कार्य हो, चाहे वे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, इन सभी का लाभ अगर आज आम जनमानस को प्राप्त हो रहा है, रामपुर में भी प्राप्त हो रहा है, तो बहनों और भाइयों इसका श्रेय मोदी जी को जाता है क्योंकि नेतृत्व उनका है, लेकिन मोदी जी से ज्यादा श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद देकर के चुनाव विजयी बना करके भेजा, इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि विजयी तो आपने बनाया है, आप ही उनको चुनाव जिता करके बार बार भेजे हैं, तो विकास का लाभ और उसका श्रेय भी आपको प्राप्त होगा। पहले लोग चुनते थे लोगों को तो दिखाई नहीं देते थे, विकास की बात नहीं करते थे, अपने परिवार की बात करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो लगातार जो परिवर्तन देखने को मिला है पूरे देश के अंदर, बहनों और भाइयों इसी में मोदी जी ने कहा है कि हमें यह चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ना है, विकसित भारत जहां पे हर व्यक्ति की आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जहां पर वर्तमान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे का, रेलवे का, एयर कनेक्टिविटी का, ये और भी अच्छा हो, जन सुविधाएं और अच्छी हो, इन सब के लिए एक नए सिरे से कार्य करने की दिशा, फिर से इसको और अच्छे ढंग से आगे हम बढ़ा सके, इसके लिए मोदी जी ने कहा है कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है और इसके लिए उन्होंने टारगेट तय किया है कि तीसरा कार्यकाल दीजिए, पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दें।